नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक भेज से आप लोगों के समक्ष आज का एपिसोड है हरियाली और खुशहाली एपिसोड। इस एपिसोड में हम बागवानी संबंधित, कृषि संबंधित या अन्य जानकारी देते हैं, पशुपालन संबंधित। इस एपिसोड में आज हम ब्लड से संबंधित जानकारी देने वाले थे, तो हमारे आदरणीय हरीश जी इसमें जुड़ने वाले थे, जो अध्यक्ष है ब्लड जो संगठन के, वो जुड़ नहीं पाए, उन्हें तत्कालीन कहीं जाना पड़ा। फिर आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अनिल नेगी, अनिल डेरियान जी, और वो बागवान से संबंधित विषयों को बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी सिग्नल की दिक्कत है और इस एपिसोड में हमारे सह संचालिका आदरणीय रंजना मैडम भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबकी सिग्नल की दिक्कत है। तो फिलहाल जब तक कि उनका जो है वो जुड़ते नहीं है, तब तक हम आपसे आपसे रूबरू रहेंगे। जैसे कि आजकल आजकल चला है बिल्कुल फ्लावरिंग चला है, सबका सेटिंग का भी टाइम हो चुका है, लो बेल्ट में तकरीबन सब जगह सेटिंग हो चुका है। तो ऐसे में हम आप लोगों से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस गर्मी और तपती के मौसम में हम किस प्रकार से अपने अपने बागवानी को जो है बचाए, क्या क्या हमें इसमें करना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार जैसे कि कहते कि नमी बनाने के लिए मल्चिंग करना पड़ेगा, ऊपर से घास फूस डालना पड़ेगा, और हो सके तो अगर आपके पास पानी है तो शाम को जो है पानी की सिंचाई करें, खासकर शाम के लिए। तो विशेषज्ञों के अनुसार जो है नमी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है बिल्कुल पीक प्लांट पर है और जो है फ्लावरिंग जो है अब जो है बिल्कुल सेटिंग हो चुका है। तो इस ऐसे टाइम पर बारिश होना चाहिए, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। तो चलिए, जब तक हमारे अतिथि जुड़ते नहीं है, तो हम आप लोगों से राय जानेंगे कि क्या मुख्यतः जो ये जो जो दिन प्रतिदिन हमारा जो है भूमि तप रहा है, दिन प्रतिदिन हमारा जो जो मौसम जो है जो बिगड़ रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्या ये हम कहेंगे कि जितना हम जनसंख्या को जो है बढ़ावा दे रहे, जितना हम प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे, देख रहे होंगे आप दिन प्रतिदिन घर में चार आदमी है तो चार गाड़ियां आप लोग लेते हैं या हम लोग लेते हैं। हमारे पास जो बड़े वाले के पास एक गाड़ी चाहिए, छोटे वाले को एक गाड़ी चाहिए, तो प्रकृति कहीं ना कहीं रुष्ट तो होगी और प्रकृति कहीं ना कहीं नाराज तो होगी, और पर्यावरण आपका साथ कहाँ देगा? देखते होंगे हम जंगलों में आग लगा रहे हैं, आप देखते होंगे हमारे किन्नौर में कई जगह ऐसे है जहाँ पर गुच्छी के लिए हम आग लगा रहे हैं, जहाँ पर शिकार के लिए हम आग लगा रहे हैं, और जहाँ पर घास के लिए आग लगा रहे, तो कहाँ से बारिश होनी? और फिर परियोजनाओं से अगर लेंगे तो परियोजनाएं दुनिया भर के हमारे हिमाचल में किन्नौर में, खासकर हम किन्नौर की बात करेंगे, अगर आप जाखड़ी से ऊपर आ जाते हैं तो पूरा ऊपर सोमरा तक परियोजना ही मिलेंगे। तो इतने सारे परियोजनाओं में जो है आपका नदी नाले तो सारे सूख गए। सतलुज नदी का ही आप बात करेंगे तो अब आपको एक टाइम आएगा खाप से लेकर आपको जाकड़ी, रामपुर से भी आगे है जो अभी प्रोजेक्ट चला है, आपको बहुत कम जो है सतलुज दिखाई देंगे। तो मुख्यतः जो बारिश का ना हो रहा ना होना, क्या कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार है? तो हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय माजू जी, थोड़ी सी आप जो प्रतिक्रिया करें, जो दिन प्रतिदिन जो जो यहाँ पर जो मौसम बिगड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या किस प्रकार से जो है क्या ये जनसंख्या का जो है जो बढ़ोतरी के कारण है, और जिस प्रकार से हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, जहाँ आप देखते होंगे जहाँ भी हम पिकनिक मनाने जाते हैं तो वहाँ पर हम जो है पिकनिक जो है पिकनिक मनाते हैं, और वहीं पर ही हम जो है अपने जो जितने भी हमारे जो सामान है वेस्टेज सामान हम फेंक कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसके कसूरवार है। तो हमारे अतिथि जी जुड़े जुड़े नहीं, और तब तक मैं आप लोगों के समक्ष एक मेरे दोस्त है, मित्र है, उनकी रचना सुनाना चाहूंगा। उनका नाम है प्रमोद कुमार, उनकी खुद की लिखी हुई जो है कविता है, मैं हूँ किसान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज के अतिथि जुड़ेंगे। सिग्नल से जुड़ना होता है, क्योंकि अगर सिग्नल नहीं है तो जुड़ना मुश्किल है। तो मैं निवेदन करता हूँ यहाँ पर हमारे आज के उपस्थित जितने भी अतिथि है, जो प्रकृति किस प्रकार से रुष्ट है, और प्रकृति क्यों हमारे जो है नाराज हो रही है, प्रकृति क्यों हमसे जो है खपा है, क्यों बारिश नहीं हो रहा है, क्यों जो है बरसात नहीं हो रहा है, क्यों जो है क्या इसका मुख्य कारण हम खुद ही है। तो
अगर हम किन्नौर से संबंधित समझेंगे तो किन्नौर में परियोजनाओं का बहुत जाल बिछा है, और परियोजनाओं के साथ साथ आप देखेंगे टावरों का जाल भी दुनिया भर के है। आप देखेंगे आपके 320 मेगावाट भाभा प्रोजेक्ट के टावर अलग से है, उसके बाद करछमुंगटू के आपके टावर अलग से है, उसके बाद आपके पासपर प्रोजेक्ट के टावर अलग से है, उसके बाद आपके छोटे मोटे जो अभी पटेल कंपनी के टावर आने हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे जो है जाल इतने हैं कि उतने तो हमारे कहने वाले एक टाइम आएगा कि हमारे किन्नौर में सिर्फ टावर ही टावर देखेंगे, सेब के पौधे दिखेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हम जो बिजली उत्पन्न कर रहे हैं और इसका जो रेडिएशन है जो चारों ओर जा रहा है, तो शायद हो सकता है बादल को खत्म कर रहे हो, हमारे वाष्प को खत्म कर रहे हो, नमी को खत्म कर रहे हो। तो यही हमारा मुख्य कारण हो सकता है। हमारे अतिथि महोदय जी जुड़ नहीं पाए, अनिल जी, तो शायद तकनीकी दिक्कत है और सिग्नल से जुड़ना होता है, सिग्नल की दिक्कत रहती। तो एक छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, हमारे मित्र है प्रमोद कुमार जी, उनके एक रचना है छोटी सी। मैं हूं किसान, सूरज की रोशनी फूंक देती है सब में जान, गुरु से मिलता है सदा ज्ञान, पर सबका पेट भरने वाला मैं हूं किसान। सूरज की रोशनी फूंक देती है सब में जान, गुरु से मिलता है सदा ज्ञान, पर सब का पेट भरने वाला मैं हूं किसान। बारिश की बूंदों बरस जाओ जरा जोर से, ये आजकल सूखा है इसलिए हमने इस कविता को लिया है। बारिश की बूंदों बरस जाओ जरा जोर से, क्या हुआ जो घर मेरा टूटा है। हाँ, क्या हुआ घर जो मेरा टूटा है, पर खिल तो उठेंगे मेरे खेत खलियान के। हाँ, पर खिल तो उठेंगे मेरे खेत खलियान के, सबका पेट भरने वाला मैं किसान हूँ। बारिश की बूंदों बरस जाओ जरा जोर से, क्या हुआ जो घर मेरा टूटा है, पर खिल तो उठेंगे मेरे खेत खलियान खलियान से, सबका पेट भरने वाला मैं हूं किसान। बीज के साथ बो रहा हूं उम्मीदों को, बीज के साथ बो रहा हूं उम्मीदों को, कोशिश कर रहा हूं तोड़ने कर्ज के जंजीरों को, कोशिश कर रहा हूं तोड़ने कर्ज के जंजीरों को, बिक ना जाए मेरी कहीं ये स्वाभिमान मेरा, बिक ना जाए कहीं में ये मेरा स्वाभिमान, सबका पेट भरने वाला मैं हूं किसान। हाँ, सबके पेट भरने वाला मैं हूं किसान। कहने को तो मैं अन्नदाता हूँ, कहने के तो मैं अन्नदाता हूँ, देश का व्यापक विधाता हूँ, कहने का तो मैं अन्नदाता हूँ, देश का व्यापक विधाता हूँ, भाग्य विधाता हूँ, पर फिर भी क्यों भूखे हैं मेरे बच्चे नादान, फिर भी क्यों भूखे हैं मेरे बच्चे नादान, सबका पेट भरने वाला मैं हूँ किसान, सबका पेट भरने वाला मैं हूँ किसान। अंधकार में जीवन रह जाएगा राजा के साथ ही नहीं तो, कैसे मौसम की मार सहन कर पाएगा। अंधकार में जीवन रह जाएगा राजा के साथ ही नहीं तो, कैसे मौसम की मार सहन कर पाएगा। देश का कैसा होगा हर्ष सम्मान, देश का कैसा होगा हर्ष सम्मान, सबका पेट भरने वाला मैं हूँ किसान। सूरज की रोशनी फूंक देती है सब में जान, गुरु से मिलता है सदा ज्ञान, सबका पेट भरने वाला हूँ मैं हूँ किसान। तो किसानों पर हम चिंतित है, और किसानों के अगर बारिश ना हो तो जिस प्रकार से आजकल फ्लावरिंग का टाइम है और आजकल सेटिंग का टाइम है, ऐसे मौसम में बारिश का ना होना और किन्नौर जैसे हिमाचल जैसे में पनविद्युत परियोजनाओं का अंधाधुंध और गाड़ियों का अंधाधुंध, जिस प्रकार से मैंने कहा कि एक घर में चार चार पांच पांच गाड़ियां, आपको भी चाहिए, छोटे वाले को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए, माता को भी चाहिए, पिता को भी चाहिए, तो प्रकृति तो रुष्ट होनी है, पर्यावरण तो रुष्ट होना है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब भी आप अपना घर में, अगर आपके पास तीन चार गाड़ी है तो ऑड इवन का फॉर्मूला यूज करें, कभी आप अपने छोटे भाई के गाड़ी में जाए, कभी बड़े के गाड़ी में जाए, तो इस प्रकार का जो है हमें जो है प्रकृति को जो है अपनाना पड़ेगा, प्रकृति को हरा बनाने के लिए पर्यावरण को हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए छोटी सी एक झलक आपको दिखाते कि किस प्रकार से आजकल जो है जो फ्लावरिंग का जो है एक स्टेज बना हुआ है चारों ओर हरियाली, लेकिन सूखा भी आपने देखना कि सूखा किस प्रकार से।
हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले थे हमारे आदरणीय अनिल नेगी जी। वैसे तो आज के एपिसोड में हमारे हरीश जी थे, जो ब्लड डोनेटर डोनर है, जिन्होंने 35-36 बार डोनर किया है, ब्लड का डोनेशन किया है। तो उनके हम आज जानना चाह रहे थे कि किस प्रकार के जो है, कितने बार आप जो स्वस्थ इंसान जो है ब्लड दे सकता है, साल में कितने बार, और अपनी ता उम्र में कितने बार। हालांकि उन्होंने अभी तक 37 बार जो है उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। तो ऐसे ही युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि आप जो एक स्वस्थ इंसान जो है, लगभग मेरे ख्याल से 60-70 से 80 बार तक जो ब्लड दे सकता है। हमारे एक अतिथि है, हमारे कवि मित्र, उनका जो है अभी तक 70 बार उन्होंने शायद ब्लड का डोनेशन किया है। तो सभी युवाओं से हम अपील करते हैं, और सभी ग्राम पंचायतों से और पूरे किन्नौर के पंचायतों से, पंचायतों में भी इस प्रकार के कैंप लगने चाहिए और ब्लड को डोनेशन करना चाहिए। कभी भी किसी को भी काम आ सकता है ये। एक सभी आदमी के ऊपर जो है, आदमी को कभी भी जो है जंग लग सकता है। कहते हैं ना कि एक मशीन में भी जंग लगता है, कभी भी इंसान के साथ कुछ हो सकता है। तो ये पहल होनी चाहिए। हमारे किन्नौर में मैंने तकरीबन देखा कि पंचायत के जो पंचायतें प्रतिनिधियां हैं, ब्लड डोनेशन को लेकर ज्यादा रुचि नहीं लेते। चाहे कई सालों से मैंने देखा भी नहीं। आजकल युवा युवा कुछ कब है, और महिला मंडलों को, युवा कलों को भी आगे आना चाहिए और ब्लड डोनेशन में डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए। और किन्नौर के जाने माने हमारे तेजू नेगी जी, जो लिप्पा के हैं, वो बेहतरीन उन्होंने आदरणीय TS नेगी जो है ब्लड डोनेशन का एक सोसाइटी बनाई है शिमला के अंदर में। तो वो दूर दराज तक, दिल्ली तक भी जाकर ब्लड डोनेशन करते हैं। हालांकि तेजू नेगी भी मेरे ख्याल से 35 से ऊपर जो है डोनेट कर चुके हैं। तो हमारा मकसद था कि आज के इस एपिसोड में ब्लड से संबंधित हम बात करें, उसके बाद अतिथि हमारे व्यस्त रहे, और साथ में आज के जुड़ने वाले थे हमारे अनिल नेगी जी, अनिल डेरियान जी, और उनसे जानना था कि सूखे के टाइम में क्या क्या हमको सावधानी रखनी है, किस किस प्रकार के हम जो है बागवानी में अपना देखभाल कर सकते हैं। हालांकि जब भी कोई बागवान होता है, अपने आप को पता तो होता ही है, फिर भी हमारा मकसद रहता है कि आपको बारीकी से बारीकी बताएं। क्योंकि एक बच्चा को जब हम जो है, बच्चा जब पैदा होता है, तो उसको परवरिश के लिए हम बहुत कुछ ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी ध्यान देना होता है, खासकर आजकल आपका एक, अगर आपने फ्लावरिंग में टाइम नहीं दिया तो, और आपके पूरे साल भर का जो है मेहनत खत्म हो जाता है। तो चलिए, हमारे अतिथि महोदय जी जुड़े नहीं, और आप लोग हमारे एपिसोड के साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारा मकसद रहता है कि आपको शाम को 7:30 बजे कुछ न कुछ यहाँ नई जानकारी दें, लेकिन सबको सिग्नल के साथ जुड़ना है। और सिग्नल की बात करें तो मैं यहाँ पर रखना भी चाहूंगा, जिस प्रकार से कंपनियां हमसे पैसे वसूलती है, उस प्रकार से हमारे को जो है बेहतरीन सिग्नल नहीं देती। जिस प्रकार से हमारी कंपनियां पैसे रिचार्ज कराती है, उस प्रकार से डाटा भी उपलब्ध नहीं कराती है। तो इस चीज पर भी जो है गौर करना चाहिए, खासकर जो हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को, और ताकि वो पंचायत के जो है प्रस्ताव में भी ढाल सके और आगे तक मैसेज ढाल सके। जब आपसे, आपके घर में भी जो है बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ने वाले, अगर इस प्रकार का सिग्नल की व्यवस्था नहीं रहे, तो वो जो कंपनियां तो फायदे ही ले रहे, कंपनियों का तो जो है लॉटरी लगी है। आपको तो पता है कि एक घर में आज के टाइम में 5 5 6 6 7 7 तक मोबाइल रहते हैं, तो कंपनियों की तो लॉटरी लगी है। डाटा आपका चले चाहे ना चले, आपका सिग्नल आए चाहे नहीं आए, तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करें चाहे नहीं करें, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपका एक बार रिचार्ज हो गया, आप उनके चंगल में फंस गए। तो इस प्रकार का जागरूक जो है अभियान हमारे जो है युवा साथियों में होना चाहिए, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आगे आना चाहिए। अपने लिए तो बहुत जीते हम लोग, आप भी अपने लिए जी रहे हैं, मैं भी अपने लिए जी रहा हूँ। हमें जीना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए। जरूरी नहीं है कि आप सैनिक बनकर, कहते हैं ना कि सैनिक या भारतीय सैनिक बनकर आप देश की रक्षा करोगे, आप जो है बहुत सारी जो है सामाजिक सेवा कर कर भी एक सैनिक बन सकते हो। आप लेखक बनकर भी सैनिक बन सकते हो, बागवान बनकर भी सैनिक बन सकते हो, आप एक शिक्षक बनकर भी एक सैनिक बन सकते हो, आप माता पिता बनकर भी सैनिक बन सकते हो, लेकिन सामाजिक कार्य को करते हुए अलग से। आपके पास रोजमर्रा के डेली के काम होते हैं, आपको तो पता है कि सुबह मुझे जाना है, शाम को आना है, दिन को दिहाड़ी ना लगाऊं तो जो है आपके आपके बच्चे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, आप भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन पेट तक ही अगर सीमित रहेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे को समाज के लिए भी कुछ ना कुछ समय निकालना है। तो किन्नौर अब तक पेज के द्वारा हम सभी से यही अपील करते हैं कि आप लोग भी आए, बढ़ चढ़ कर भाग ले। हमारे एपिसोड है सोमवार को
काव्य संध्या। इस एपिसोड में आप जरूरी नहीं कि आप कविता सुना, आपका आप जो है कविता आप कहानी सुना सकते हो, कोई सामाजिक संदेश दे सकते हो, आप किसी भी विषय को लेकर आ सकते हो। इसलिए हमने रखा है, चाहे वो किन्नौर के हो या फिर बाल कलाकार हो, युवा कलाकार हो, कवियों कोई भी हो, मतलब आपका एक मोटिवेशन जो है मैसेज हो, तो आप सोमवार को जुड़ सकते हैं। मंगलवार का हमारा हरियाली और खुशहाली एपिसोड तो है, इसमें हम कानूनी सलाह, कृषि संबंधी, बागवानी संबंधी, या फिर आपको अन्य प्रकार के जो भी हमारे जो पशुपालन आदि जो 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 जो, जो आप बताना चाहते हैं तो इस एपिसोड के द्वारा दे सकते हैं मंगलवार को। तो आप अपने जो है शिक्षा का उपयोग कीजिए, और शिक्षा का उपयोग अपने मैसेज यहाँ पर किन्नौर अब तक पेज के द्वारा रखें। बुधवार को फिर वही हमारा काव्य पाठ से मतलब रहता है, काव्य काव्य से संबंधित आप इसमें गीत, गजल, कविता सुना सकते हो, किन्नौरी में भी सुना सकते हैं, किन्नौरी में आप इसमें गीत सुना सकते हो, किन्नौरी में आप कहानी सुना सकते हो। तो हमारा तो मकसद है किन्नौर को पहला प्रमोट करना। तो उसके बाद हमारा वीरवार का एपिसोड होता है गांव, शहर और राजनीति। इसमें हम गांव की और शहरों की और राजनीति आदि समस्याओं को लेकर आते हैं। गांव में किस प्रकार का आपका काम चल रहा है, गांव के आसपास क्या काम चल रहा है, गांव के जो है आपके शहर में क्या काम चल रहा है, तो इस प्रकार की राजनीतिक चर्चा हम इसमें करते हैं गांव की समस्याओं को लेकर। फिर आता है शुक्रवार का एपिसोड। शुक्रवार को हम फिर वही एपिसोड रखते हैं, काव्य पाठ, मतलब एकल काव्य पाठ। इसका मतलब वही है कि आप अपनी प्रस्तुति किसी भी विषयों को लेकर आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई कवि हो। अगर आप जो है आप में बोलने की क्षमता, आप भाषण भी दे सकते हो, जैसे बच्चों में किसी प्रकार का भाषण आपने यहाँ पर देना हो, किसी विषय को लेकर, किसी नशाबंदी पर भाषण देना हो, या महिला कल्याण पर भाषण देना हो, या सामाजिक कल्याण पर भाषण देना हो, या खेल कूद पर भाषण देना हो, तो आप जो है हमारे पेज के द्वारा, आप अपने बच्चों को भी हमारे पेज के द्वारा जोड़ सकते हैं। हमारे पेज में बहुत सारी गतिविधियां हम चलाए रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा किन्नौर और हमारे किन्नौर के युवा, हमारे किन्नौर के जो बच्चे आगे बढ़े। हमारा तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार। और शुक्रवार का ही हम अंतिम शुक्रवार को रूबरू एपिसोड रखते हैं, जिसमें हम इस महीने के रूबरू एपिसोड हम लेकर भी नहीं आए क्योंकि हम व्यस्त थे। और शनिवार का हमारा साप्ताहिक बुलेटिन रहता है, इसमें हम जो है अन्य गतिविधियों को लेकर आते हैं, सप्ताह के जो आपके आसपास के जो सप्ताह जो बीते हुए जो आप आपके आसपास के जो गतिविधियां हैं, चाहे वो सामाजिक हो या फिर खेल कूद से या फिर राजनीतिक से, इन चीजों को लेकर आते हैं। और रविवार का एपिसोड होता है हमारा संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा। इसमें हम वरिष्ठ कलाकार, युवा कलाकार, हम तो चाहते हैं कि किन्नौर के जो आप ही वगैरह, आप ही जो हमारे पूर्वज है, आप ही मतलब पूर्वज पूर्व के गानों को संयो रखते हैं, आप ही देते हैं, जिनको जिनको शौक है वो भी आ जाए और यहाँ पर प्रस्तुति रखे। हमारे लोकगीत और लोक गायकों को बनाए रखने के लिए ये हमने जो है प्रयास किया है, और संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा, तो हमारा यही मकसद रहता है। तो आप लोग भी जुड़िए हमारे किन्नौर अब तक पेज के साथ, और एक साथ मिलकर, सभी मिलकर जो है काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीरवार का एपिसोड, गांव शहर राजनीति एपिसोड इस बार रहेगा नहीं, इस बार थोड़ा हम व्यस्त है, और मिलेंगे आपको शनिवार के एपिसोड में, साप्ताहिक बुलेटिन में। चलिए आज के अतिथि जुड़े नहीं, हमें खेद है क्योंकि आपको हम आज जो है बेहतरीन जो है के बारे में हम आपको बता नहीं पाए, क्योंकि हमारा आज का विषय था किस प्रकार से हम जो है इस गर्मी और तपती के मौसम में कैसे हम बागवानी की जो है देख रेख करें। तो चलिए ये एपिसोड से हम आज जो है आपको हमारे अतिथि मिले नहीं, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।